जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा कि कोई भी चालक जिसमें विद्युत धारा गमन करता हो वह अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यदि इस क्षेत्र में हम कोई कंपास रखे तो वह उसके चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। लेकिन हम न्यूटन के तीसरे नियम के माध्यम से ये भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु कुछ बल लगाती है तो पहली वस्तु भी बराबर और विपरीत बल दूसरी वस्तु पर लगाएगी। तो यहाँ भी कुछ इस तरह ही होता है। यदि चालक विद्युत धारा बहने के कारण पास रखी चुंबक या कंपास पर बल लगाता है तब उतना ही बल चालक पर भी लगता है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक हॉर्सशू मैग्नेट, एक मोटे कॉपर के तार का टुकड़ा, एक स्टैंड, एक बड़ी बैटरी और सर्किट को जोड़ने के लिए तार और एक स्विच की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो स्टैंड के नीचे के हिस्से पर हॉर्सशू मैग्नेट को खड़ा करें ताकि उसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर हो। कॉपर के तार के दोनों सिरों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों से इस तरह जोड़े कि वे स्टैंड के माध्यम से चुंबक के बीच लटका रहे। कनेक्शन को जोड़ने के बाद स्विच को ऑन किया जाता है। स्विच के ऑन होते ही हमें तार एक दिशा में विक्षेप होता नजर आएगा और जब तक स्विच ऑन रहेगा ये उसी स्थान पर टिका रहेगा। ये क्या हुआ और क्यों? यदि विद्युत धारा की दिशा बदली जाए तब क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा बदलने से तार में विक्षेपण दूसरी दिशा में होता नजर आएगा। मगर विद्युत धारा की दिशा बदलने से विक्षेपण की दिशा क्यों बदली? हर एक सवाल का एक एक करके जवाब देते हैं। विक्षेपण के होने का कारण यही है कि विद्युत धारा के गमन करने की वजह से जब चालक का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया तो इन क्षेत्रों ने एक दूसरे पर एक बल लगाया जिस कारण हमें तार में विक्षेपण नजर आया। चलो विक्षेपण तो समझ आया, लेकिन विद्युत धारा की दिशा बदलने से विक्षेपण की दिशा क्यों बदली? ये विक्षेपण दरअसल उस बल को दिखाता है जो कि चुंबक चालक पर लगाती है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक पैटर्न नजर आएगा। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, साथ ही विद्युत धारा जब इस दिशा में चल रही थी तब विक्षेपण इस दिशा में थी। इस चित्र को घुमाकर देखें तो तीनों एक दूसरे पर लंबवत दिखेगी। बल, विद्युत धारा और क्षेत्र रेखाओं के इस संबंध को फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम या इंग्लिश में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। ये नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी या पहली उंगली, मध्यमा या दूसरी उंगली एवं अंगूठे को इस तरह रखें कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की और अंगूठा बल की ओर इशारा करेगा। यदि इसे एक्टिविटी पर लगाकर देखें, तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि विद्युत धारा इस दिशा में था और रेखाएं इस दिशा में, तब बल इधर लगा था। उसी प्रकार विद्युत धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा भी बदल गई थी। इस नियम को याद रखने की सख्त जरूरत है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि विद्युत चुंबक और चुंबक से चलने वाले उपकरण बहुत होते हैं और ये नियम उपकरण में बल की दिशा ज्ञात करने में उपयोगी होता है। अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े नियम और कार्य पर चर्चा होगी।